Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are fine. Students, today is a lecture of class 10, chemistry, okay? So students, your topic name is chemical equilibrium. Chapter number 1. Students, aaj hum padhenge reversible reaction and dynamic equilibrium. Ki reversible reaction kya hota hai aur dynamic equilibrium kya hota hai? स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ मेन मेन चीज़ें पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्टेंट्स के. रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, यानी कि किसी भी रिएक्शन में जो दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि देखें, 2H2+O2, यानी कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें इन रिटर्न क्या मिलेगा? 2H2O. तो इस इक्वेशन में 2H2 और O2 हमारे क्या होंगे? रिएक्टेंट्स होंगे. वो रिएक्टेंट्स इसलिए होंगे क्योंकि वो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट्स की. प्रोडक्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो एलिमेंट या वो मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट्स के मिलने से बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, वो मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट के मिलने से बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. अब हम बात करते हैं रिएक्शन की. स्टूडेंट्स, रिएक्शन जो है ना वो दो तरह के होते हैं. एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन. अब इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है स्टूडेंट्स? ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं. सिंपल, रिएक्टेंट्स ने रिएक्शन किया और वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए, रिएक्शन ख़त्म हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन. और इसको हम सिंगल एरो से शो करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम किससे शो करते हैं? सिंगल एरो से. यानी कि रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करेंगे तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान हम क्या लगाएंगे? सिंगल एरो, जैसे हमने इसके अंदर लगाया. ठीक है, और दूसरा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन. स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट में तो चेंज हो जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज भी हो सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज हो सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन. और इसको हम किससे शो करेंगे? डबल एरो से. ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना उसके आगे से दो टाइप्स हैं. एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक होता है रिवर्स रिएक्शन. अब फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होता है, रिवर्स रिएक्शन कौन सा होता है स्टूडेंट्स? फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं. जैसे कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक आयोडीन के मॉलिक्यूल से उसने रिएक्ट किया और वो सिंपली दो हाइड्रोजन आयोडाइड बन गए. ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि आगे की तरफ मूव किया. ये आगे की तरफ मूव किया ना, तो ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन. अब हम बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन की. स्टूडेंट्स, ऐसा रिएक्शन जो बैकवर्ड मूव करे उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स रिएक्शन. अब देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया था, क्या बना था? प्रोडक्ट. जबकि रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट ने क्या बनाए हैं? रिएक्टेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ने क्या बनाए हैं? रिएक्टेंट्स. तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएं उनको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन. ठीक है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. अब आपने ये टॉपिक अपनी केमिस्ट्री की बुक ओपन करनी है और उसका पेज नंबर है 2, 3 और 4. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने इसको रीड करना है और इसको समझना है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़.